लखीमपुर खीरी हिंसा इतनी भड़की कि शायद कोई नहीं जानता था कि इस हिंसा को कैसे रोका जाए, लेकिन सरकार चाहती थी कि हिंसा और यह आंदोलन जल्द से जल्द रुक जाए, यह आक्रामक रूप ना ले। लेकिन हिंसा हुई कैसे, हिंसा ने इतना आक्रामक रूप लिया कैसे? किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे काले झंडे दिखाकर, वहां से गाड़ी गुजरी आशीष मिश्रा की, उस गाड़ी ने चार किसानों को रौंद दिया जिसके बाद उन किसानों की मौत हो गई। लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी बल्कि हिंसा और भड़क गई। हिंसा इतनी भड़की कि चार और लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पत्रकार, दो बीजेपी नेता और दो ड्राइवर भी थे। और इस हिंसा ने इतना आक्रामक रूप ले लिया कि किसान आंदोलन पर बैठ गए, उन्हें इंसाफ चाहिए था लेकिन सरकार समझौता चाहती थी, सरकार नहीं चाहती थी कि यह आंदोलन और आक्रामक हो जाए और भयंकर हो जाए। समझौता कैसे हो, यह भी सोचने वाली बात थी। सरकार ने इसलिए विपक्षी नेताओं को रोक लिया कि ताकि वो वहां पर ना जा सके और ये आंदोलन और ना बढ़ जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया और अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी वहां जाने से रोका गया। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर वहां पर विपक्षी नेता पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हिंसा और भड़क सकती है, इसलिए सरकार ने इन सबको रोक लिया। सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द समझौता हो, चीजें नॉर्मल हो जाए, इसलिए सरकार ने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से। काफी लंबी बातचीत चली, काफी लंबा दौर चला ये बातचीत का, जिसके बाद नतीजा ये निकल कर आया कि सरकार जो किसान मर चुके हैं उनके परिवार को 45 लाख रुपीज देगी और एक सरकारी नौकरी देगी, और इस दौरान जो लोग घायल हुए हिंसा में उन्हें 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ किसान भी मान गए और सरकार भी मान गई, समझौता हो गया। लेकिन आखिर समझौता किया क्यों सरकार ने, समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा ढकना चाहती थी? क्या सरकार जो चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारियों में इतनी लग गई है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि किसान वोट बैंक उनसे छिन जाए या किसान उनसे नाराज हो जाए ताकि आने वाले जो चुनाव है उन पर इम्पैक्ट पड़े? आखिर सरकार की रणनीति यहाँ क्या थी? अब सोचने वाली बात यह है कि समझौता भी हो गया है, सब कुछ हो गया, सरकार भी मान गई है, किसान नेता भी मान गए हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी चुप हो गए। लेकिन आने वाले भविष्य में इसे लेकर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि साल 2022 में यूपी में इलेक्शन है। अगर सरकार ऐसा ना करती तो कहीं ना कहीं किसान उनसे नाराज हो जाते और आंदोलन पर बैठ जाते और सरकार के वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता था, इसलिए सरकार ने समझौते का फैसला चुना। अब आपने खबर को समझा और ये भी समझा कि आखिर सरकार ने क्या किया, और ये भी समझा कि आखिर विपक्षी पार्टियां क्या चाहती थी और किसान क्या चाहते थे और वहां पर क्या क्या हुआ। इसे समझने के बाद आपके क्या राय, क्या आपको समझौते का फैसला सही लगा? आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।